हिंदू नव वर्ष गुड़ी पाड़वा के अवसर पर आज बीजेपी युवा नेता पांडुरंग आमले के नेतृत्व में सानपाड़ा प्रभात 30 में पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा धारण किए हुए सैकड़ों महिलाओं और नागरिकों ने हिस्सा लिया। अखिल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा में विधायक मंदाताई मात्रे ने भी हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई में आज हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा की धूम रही। इस अवसर पर सानपाड़ा प्रभाग 30 में बीजेपी के युवा नेता पांडुरंग आमले के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और नागरिकों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर हिस्सा लिया। बेलापुर की बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे भी इस मनमोहक शोभा यात्रा में शामिल हुई और गुड़ी पाड़वा के पारंपरिक उत्सव को प्रोत्साहन दिया। सानपाड़ा में गुड़ी पाड़वा पर्व पर यह शोभा यात्रा और पारंपरिक झांकी अखिल सानपाड़ा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान द्वारा निकाली गई थी। युवा नेता पांडुरंग आमले ने यह विश्वास जताया कि इस सांस्कृतिक आयोजन से हिंदू धर्म और मान्यताओं को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने नई बाइकरों को गुड़ी पाड़वा की भी शुभकामना दी। अखिल सानपाड़ा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान आयोजित भव्य आज शोभा यात्रा सानपाड़ा मध्ये निघालेली आहे। गेली 2 वर्ष कोरोनाच्या महामारीमुळे आपल्याला ही शोभा यात्रा घेता नाही आली, म्हणून आज भव्य दव्य रूपात ही आज शोभायात्रा सकाळी 7 वाजल्यापासून निघालेली आहे। आणि खरोखरच या शोभायात्रेमध्ये सर्व हिंदू धर्मवासियांनी अतिशय उत्स्फूर्तपणे असा त्याला प्रतिसाद दिला आणि सकाळी 7 वाजल्यापासून सर्व महिला पारंपरिक वेशामध्ये, सर्व पुरुष किंवा आपली मुलं म्हणा, त्यांनी रॅली सर्व पारंपरिक वेशात काढलेली आहे। आत्ताच नुकत्याच आमदार मंदाताई मात्रे यासुद्धा येऊन गेल्या, त्यांचंसुद्धा मार्गदर्शन वेळोवेळी आमच्या या सानपाडा वासियांना असतात। मी धन्यवाद करेल अखिल भाते सानपाडा प्रतिष्ठानला की त्यांनी अशा प्रकारची भव्य दिव्य अशी शोभायात्रा काढली। गुढी पाडव्यानिमित्त नवीन वर्षाच्या सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा। पुढील काळामध्ये कोरोनाच्या महामारीपासून आपण सावध राहून पुढील काळ आपला अधिक भरभराटे जावो, ही सर्वांना माझ्या शुभेच्छा। ब्युरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।